ट्रिग्नोमेट्री हाइड्रेटेड सेंस से देखते हैं. एट अ पॉइंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द बेस ऑफ अ मॉन्यूमेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ मॉन्यूमेंट इज फाउंड टू बी सच दैट इट इज टेंजेंट 1/5. ऑन वॉकिंग 138 मीटर टूवर्ड्स द मॉन्यूमेंट द सीकेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फाउंड टू बी रूट 193/12. देन द हाइट ऑफ द मॉन्यूमेंट. देखिए आप समझिए, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ एक पॉइंट है और ये एक आपका मॉन्यूमेंट है ना. और यहाँ से नीचे से इसको ऊपर देखा जा रहा है और ये एंगल है आपका, ठीक है. तो आप नीचे से ऊपर देखो तो एंगल ऑफ एलिवेशन है. तो सबसे पहले एक पॉइंट है और एलिवेशन कितना है यहाँ पर, टेंजेंट 1/5. फिर आप 138 थोड़ा सा आगे चले, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक चले 138 मीटर. नाउ योर एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू सेकेंड वन रूट 193/12. ये आपका 90 डिग्री का होगा. देन दिस इज व्हाट एच, हाइट ऑफ मॉन्यूमेंट. ये मुझे फाइंड करना, मैं यहाँ पर नेमिंग करता हूँ ए बी सी दिस पॉइंट डी. चलिए यहाँ पर दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, राइट एंगल ट्राइंगल. तो मैं सबसे पहले इन्हीं को पिक करता हूँ. सबसे पहले पिक किया मैंने ट्राइंगल ए बी डी एंड सेकेंड एंगल इज ए बी सी. देखिए इन ट्राइंगल ए बी डी टेन टेंजेंट है. टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या होता है, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये मैंने बना दिया, तो अगर ये आपका अल्फा है तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बची बेस और सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज जो 90 डिग्री के सामने है. तो यहाँ पर देखिए, और ये वैल्यू आपको दे रखी है 1/5, ठीक है. मींस ए बी रेशियो बी डी आपको गिवन है 1:5, ठीक है. और ट्राइंगल ए बी सी में आइए, यहाँ पर आपको सीकेंड दे रखा है, वो कितना दे रखा है, सीकेंड अल्फा इज रूट 193/12. क्लियर है. अगर आप एक राइट एंगल उठाएं और ये अगर आपका अल्फा है, तो ध्यान रखिए सेक अल्फा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. क्लियर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है. इट मींस ये वाली वैल्यू आपको रूट 193 गिवन है और बेस इज 12, आपको परपेंडिकुलर नहीं गिवन है. बट दोनों ट्राइंगल्स में अगर कुछ कॉमन हो सकता है तो परपेंडिकुलर, और जो चीज कॉमन होती है उसे हम बाहर निकालते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है. तो यहाँ पर आपको ये आपका हाइपोटेन्यूज है और ये आपका बेस है, ठीक है. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. तो चलिए मैं यहाँ से अपना पी निकाल सकता हूँ, ये आएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो एच है आपका रूट 193, एच सामने वाला 193, तो ये 193 रह जाएगा. माइनस बेस है 12, 12 का स्क्वायर 144 अंडर रूट, तो ये कितना हुआ रूट 49. सो पी शुड बी 7. अब देखिए परपेंडिकुलर 7 आया है ना, क्लियर है वाली बात. तो अब मैं इसको रेशियो में लिखूं, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, परपेंडिकुलर अगर मैं बेस का रेशियो बनाऊं तो ए बी रेशियो बी सी. तो यहाँ पर परपेंडिकुलर 7 है और बेस मुझको मालूम है 12. अब देखिए आप रेशियो कंपेयर करते हैं, देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर का रेशियो कितना है 1 और यहाँ कितना है 7. क्लियर है वाली बात. तो दोनों जगह मेरे परपेंडिकुलर सेम होने चाहिए, तो अपन ने क्या किया इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया सेम रेशियो करने के लिए. तो ये हो गया 7:35, ठीक है बच्चों. अब हम देखते हैं हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है यहाँ पर सी डी. सी डी की वैल्यू है 138. चलिए CD देखते हैं, क्या डायरेक्टली CD गिवन है हमको, CD ये वाली वैल्यू, क्या ये वैल्यू हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, नहीं. अगर हम इस बड़ी वाली वैल्यू में से इस हमको ये BC गिवन है, ये वाली वैल्यू अगर हम माइनस कर देंगे तो मुझको ये वैल्यू मिलेगी, यस और नो. अगर इस बड़ी वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी. तो अपन वही करते हैं, तो मेरे को BD गिवन है, BD इज हाउ मच, CD कैसे आएगा, BD माइनस बी सी, जो कि मैं लिख सकता हूँ 130. तो बी डी इज हाउ मच, बी डी आंसर देखिए बी डी इज 35, बी सी इज हाउ मच, बी सी इज 12. 35 माइनस 12 इज इक्वल टू 138. सो वन यूनिट
निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से, वन यूनिट क्या आएगा, 138 डिवाइडेड बाय 35 माइनस 12, तो कितना होगा ये, 5 में से 2 गए 3 एंड 3 माइनस 1 23, वन टाइम वैल्यू इज दिस मच। मेरे को फाइंड क्या करना है, मॉन्यूमेंट ए बी, सो ए बी देखिए यहाँ भी 7 है और यहाँ सेम रेशियो है, तो मेरे को 7 का वैल्यू फाइंड करना है, देन मल्टीप्लाई दिस 7, सो 23 से कितना टाइम जा रहा है ये, 6 टाइम, तो 6 7 जा 42, तो 42 मीटर इज माय करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3।